साथियों देखिए, ये साधारण सी बोतल है, उसमें किस तरीके से खूबसूरती और नक्काशी की जा सकती है, चाहे मकान की डिज़ाइन हो या पात्र की डिज़ाइन हो या किसी भी चीज़ की डिज़ाइन हो, कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल परिवर्तन कैसे हो जाता है। देखिए, ये आदमी की सोच होती है, समझ होती है, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें सिद्धहस्त होते हैं। अगर मुझसे कहा जाए तो एक मुझे लगता है कि बिना स्केल के एक सीधी लाइन खींचना मेरे लिए मुश्किल क्या असंभव सा काम है। मैं यहाँ आया हूँ तहसीलगंज लखनऊ में, एक टीचर हैं जो आर्ट और बच्चों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए, सिंप्लीफाई करके ट्रेनिंग देने के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। देखता हूँ ये बिटिया क्या बना रही। बिटिया ये क्या कर रही हैं आप? ये मेहंदी क्या कर रही हैं? मतलब ये जो आर्ट बनाई है इसके ऊपर मेहंदी बना रही हैं? अच्छा, ये भी काम किया जाता है? ओ, मुझे मालूम ही नहीं है कि ये इन्होंने जो ये बना रखा है, ये एक तरफ जो है पेंसिल, पहले पेंसिल ही बनाया है, पेंसिल जो पहले मेहंदी बना रही हैं। अभी तक तो मैंने सुना था कि हाथ में मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन एक आज नई चीज़ चालू हुई। आप क्या लेके आई हैं, अपना नाम बताइए। अरुणिमा, आपने कुछ बनाया है, दिखाइए जरा सा। कलरिंग कर रही हैं और कुछ बना नहीं पाती, सिर्फ कलरिंग करती हैं, कुछ बना भी लेती हैं? बना लेती हूं। क्या क्या बना लेती हैं? हाउस बना लेती, प्लांट बना लेती। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। इधर देखिए, पीली टी शर्ट। अनन्या, ये क्या चल रहा है? ये पॉट मेकिंग है। अच्छा, पॉट मेकिंग में इस तरीके से ये पॉट को कौन सा आकार दे रही है, क्या 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 थीम है इसकी बॉटल को? हैं, अच्छा, पॉट में पॉट को पिकॉक का रूप दे रही हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे चैनल में एक क्रिएटिव चैनल है और समाज के उन लोगों को लेकर आता है जो कहीं ना कहीं जो है गली में है, और लेकिन प्रतिभावान है। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि ऐसे लोगों को लेकर आना जो प्रतिभा छुपी है, उनको चैनल देना, मंच देना, एक स्थान देना, कहीं ना कहीं उनको खुशी का तो एहसास हो, अंदर ऊर्जा मिले, अंदर मोटिवेशन मिले। लखनऊ में हूँ, क्या कहते हैं, तहसीलगंज में। अब मैडम से मिलने आया हूँ। मैडम, आपका नाम बताइए। मीनल अग्रवाल जी, ये बताइए कि ये आप क्या, ये जो क्या बच्चों को क्या क्या सिखाती हैं आप? सारी एक्टिविटीज सिखाती। सारी नहीं, नाम बताइए। सारी का कोई नाम नहीं होता है। सारी ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, ड्राइंग, पॉट बनाना। ड्राइंग, ये पॉट आपने बनवाया है? जी जी जी। ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, ये सब चीज़ें पड़ी हुई, उसका पिकॉक बना रहे हैं। अच्छा, मतलब ये पुरानी बोतल पड़ी हुई थी, इसका एक पिकॉक बना कर दे रही हैं। ये तो बड़ा भाई, आप साथियों समझिए कि एक वैसे वही बात होती है जैसे कूड़े से बिजली बनाना, तो वही पुरानी चीज़ों का क्या कहते हैं, कितना अच्छा यूज़ हो सकता है। ये हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी ऊर्जा को किस तरीके से सकारात्मक कामों में लाएं। तो ये मैडम ये बताइए कि जैसे आर्ट बच्चों को ये सिखाती हैं, तो क्या कहते हैं कि कब से सिखा रही हैं आप? सर 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आप बच्चों को आर्ट सिखा रही हैं। अच्छा अच्छा, तो बच्चे ये कितने दिन में आर्ट बनाना सीख जाते हैं? ये कल लगभग पहला स्टेप क्या रहता है? मतलब जैसे बच्चे आते हैं, बस अपने हिसाब से करना चालू करते हैं, धीरे धीरे करके वो सीखते चले जाते हैं। पहले स्टेप में जैसे आप पूछा जाए कि बच्चों को बताती हैं, तो क्या बताती है आर्ट में, क्या चीज़? पहले तो उनको लाइंस क्लियर कराते हैं, स्ट्रेट लाइंस, स्वीपिंग लाइंस। जब उनकी लाइंस क्लियर, अच्छा स्ट्रेट, अच्छा वो जैसे हम लोग बच्चों को अल्फाबेट बनवाते हैं तो भी, अच्छा वही फार्मूला आर्ट में भी इसमें चालू होता। अच्छा, इसके बाद क्या कराती हैं? उसके बाद हम अपना फिर बच्चों से धीरे धीरे बनवाने लग जाते, छोटी छोटी चीज़ें बनवाते, फिर बच्चे इतना बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ही बनाने लग जाते हैं। तो मतलब जैसे साल भर आपके पास बच्चा रहता है तो उसमें कुछ आ जाता है, अच्छा खासा आ जाता होगा जी। और फिर अपनी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है,
बच्चों के बच्चे अपने हिसाब से, कुछ बच्चे जल्दी बहुत कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम वो तो खैर बेनिफिट पर, लेकिन कुल मिला के ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ना सीखते हैं, सीखते तो सभी होंगे, बच्चा नहीं जो ना सीख पाया हो, ऐसा। अच्छा अच्छा साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्ट भी जो है आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जैसे BFA MFA आप ही के क्षेत्र में होते हैं ना लोग, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनके भी किया है सर। आपने भी कर रखा है जो BFA MFA करने के बाद आर्ट में भी करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं साथियों। ये क्या कहते हैं, मैं सतगुरु साहब वो सॉरी ये तहसीनगंज में हूँ लखनऊ में, ये मीनल अग्रवाल जी हैं, छोटे छोटे बच्चों को कोच सिखाती हैं, क्या कहते हैं वेस्ट चीज़ों से यूज़ कराना। ये चैनल पर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए लोगों को। कोई याद, मेरा नाम है मीनल अग्रवाल। हाँ, और मेरा फ़ोन नंबर है मोबाइल नंबर 7275281088। एक बार और बता दीजिए पूरा एड्रेस, एड्रेस और फिर फ़ोन नंबर बता दीजिए। तहसीनगंज चौराहा। हाँ, फोन नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 7275281088। बच्चे आजकल कौन सा कोर्स सीख सकते हैं? बच्चे सब कुछ, क्रिएटिविटी पूरी सीख सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, स्केचिंग जो, और वेस्ट मटेरियल से आइटम बनाना सब। हाँ, तो जैसे जैसे आजकल तो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही, वैसे है क्या संडे वनडे को जो बच्चे यूज कर संडे क्लासेस लेते हैं बच्चे साथियों? डांस का भी है, डांस का भी साथियों। आजकल तो जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन वैसे भी ये मीनल जी जो हैं सप्ताह में 2 दिन के क्लासेस कराती हैं, क्योंकि कोर्स का बर्डन ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सीख ना पाए, तो 2 दिन बच्चों को आप सिखा सकते हैं, इनके पास भेज सकते हैं साथियों। मैं हूँ संतोष सुषमार, मिलता हूँ फिर कुछ नया लेके मिलता रहता हूँ आपके पास।